हे गाइस, सो मेरे हाथ में ये बुक है बार्टर टू बिटकॉइन। और जो सबसे बढ़िया बात इस बुक के बारे में लगी मुझे कि ये बुक सिर्फ बिटकॉइन के बारे में नहीं है, ये पूरा फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में है जो पिछले 1000 या 2000 इससे भी पुराने साल से चले आ रहा है। क्योंकि मेरा मानना है कि जो भी बिटकॉइन के बारे में जानना चाहता है उसको मनी का हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके पहले क्या सिस्टम था। मैंने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू किया था जो ऑथर है रैविन आर्या के साथ, 2-3 दिन हो गए, तो वो वीडियो मैं डालने जा रहा हूँ। आई होप कि आपको आप इंजॉय करो, आपको मजा आए। और दूसरी चीज़, ये बुक अवेलेबल है अमेजोन पे, ऑब्वियसली आपको अगर चाहिए होगा तो आप ले सकते हो। एंड डेफिनेटली आप अपने कॉमेंट डाल के बता देना कि आपको कैसा लगा इंटरव्यू, एंड आई होप यू एंजॉय द वीडियो। सी यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम लोग बात कर रहे हैं बहुत स्पेशल गेस्ट से हमारे चैनल पे। हमारे साथ है रैविन आर्या। ही इज द ऑथर ऑफ बार्टर टू बिटकॉइन। ये बहुत ही अच्छी बुक है जो मैं पूरी पढ़ चुका हूँ। और मुझे बहुत अच्छी बात इस बुक के बारे में ये लगी कि ये आपको बेसिकली बहुत बिटकॉइन के बेसिक्स में लेके जाता है। बेसिकली आप किसी को अगर बिटकॉइन के बारे में बताना चाहो तो ये बहुत जरूरी है कि आप मनी की हिस्ट्री बताओ, और ऐसा ही कुछ इस बुक में लिखा हुआ है। बहुत यूजफुल बुक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले रवीन आर्या के साथ। रवीन आर्या, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम आउट एंड कमिंग ऑन द चैनल। बिफोर वी बिगिन, कि ये आइडिया आपके साथ कैसे आया, आपका इंट्रोडक्शन कैसे हुआ बिटकॉइन के साथ, और जैसे कि आपका टाइटल है बार्टर टू बिटकॉइन, मतलब बिल्कुल बताना ये चाहते हैं कि मतलब हम लोग बाटर से आए हैं और बिटकॉइन की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट पहले एक इंट्रोडक्शन हो जाए। मुझे पता है कि आप गेस्ट स्पीकर हैं काफी कॉलेजेस, काफी स्कूल्स में ऑल ओवर द इंडिया आप एज अ स्पीकर अपियर करते हैं। बट जिनको नहीं पता उनके बारे में एक उनके लिए एक इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे अपने आपका? हाय शेफ, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे आज इनवाइट किया। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रवीन आर्या है और मैं बार्टर टू बिटकॉइन का लेखक हूँ। और बेसिकली मैं हैदराबाद में एक यूएस एमएनसी में काम करता हूँ। मैं बिजनेस एनालिस्ट हूँ और मैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन को भी हेड करता हूँ, मेरे जो बिजनेस यूनिट है। तो ये बुक बेसिकली जो जैसा कि शिव ने बताया, बार्टर से लेके जो बार्टर सिस्टम थी, जो आधा अदला बदला जो बोलते हैं हिंदी में, इस हाथ दे उस हाथ ले, तो बार्टर सिस्टम से लेकर जै कैसे मतलब पैसे रुपए पैसे का इवोल्यूशन हुआ, कैसे अलग अलग सेंचुरीज में अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें जो थी वो रुपए पैसे के रूप में प्रयोग में आती थी, और वहां से लेकर हम जो है पूरा अभी जो चल रहा है क्रिप्टो करेंसी एज, और बिटकॉइन बहुत ही पॉपुलर हो गया है, और बिटकॉइन जो है वो आजकल काफी चर्चे में भी है क्योंकि उसका प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत है। तो बिटकॉइन जो है वो क्रिप्टो करेंसी है, तो अभी फिलहाल जो चल रहा है मार्केट में वो क्रिप्टो करेंसीज बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रही है। मेरे हिसाब से करीब 1200 से लेके 1500 क्रिप्टो करेंसीज अभी होंगी इस मार्केट में अपार्ट फ्रॉम बिटकॉइन। तो ये जो किताब है बार्टर टू बिटकॉइन, ये जो करीब 10,000 साल का जो हमारा पैसे का इतिहास है, वो हिस्ट्री है, वो इसमें एक बहुत ही स्मूथ तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने कवर करने की कोशिश की है। और इसके अलावा मैं एक मोटरसाइकिलिस्ट भी हूँ। मैंने हिमालयन ओडिसी राइड कंप्लीट की है जो कि दिल्ली से लेकर लद्दाख तक जाती है और लद्दाख से लेकर वापस दिल्ली आती है रॉयल एनफील्ड पर, तो वो मैंने पूरे मोटरसाइकिल पे। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये अच्छा हुआ आपने बताया, क्योंकि काफी लोगों को लगता है कि बिटकॉइन को समझने के लिए कुछ अलग होना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। हम जैसे कॉमन लोग, जैसे जो ऐसा पैशन रखते हैं, भले वो बाइक का पैशन हो, हम लोग को बहुत जरूरी है कि इसके बारे में हम लोग जाने कि ये बिटकॉइन क्या है। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप, क्योंकि आपका मेरे ख्याल से आपका बैकग्राउंड फाइनेंस से है, करेक्ट? जी सो जी ऐसा क्या था बिटकॉइन में जिसने आपको अट्रैक्ट किया? आप ऐसे कैसे इम्प्रेस हो गए बिटकॉइन से? आपको ये कब लगा कि ये बिटकॉइन जो है ये नेक्स्ट टाइप ऑफ मनी होने वाली है?
ऐसा आपको कब लगा और क्यों लगा? बेसिकली मैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट टीम को भी हैंडल करता था अपार्ट फ्रॉम माय बिजनेस एनालिसिस वर्क. सो लर्निंग एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अगर आपको पता होगा तो वो बहुत ही कोर एरिया होता है और बहुत ही क्रिटिकल एरिया होता है. तो मैं एक ट्रेनर भी था. तो बेसिकली जब भी मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ज्वाइन करता है और प्रेशर होते हैं या एक्सपीरियंस होते हैं, वो जब इंडस्ट्री में आते हैं या तो पहली बार या तो 5-10 साल के बाद, तो एक चीज मैंने नोटिस किया कि वो उनके जो नॉलेज लेवल्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं भले ही वो इंडस्ट्री में कुछ साल हो. तो हम क्या करते थे, हम उनको ट्रेनिंग देते थे 1-2 हफ्तों का. तो बेसिकली मैंने करीब 500 से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में. तो इन इतने लोगों को ट्रेन करने के बाद, उतने लोगों से इंट्रैक्शन होने के बाद, मुझे लगा कि जो नॉलेज लेवल्स हैं लोगों की वो बहुत ही कम है. तो इस जो प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व करने के लिए कोशिश किया और मुझे लगा कि जब भी कोई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ज्वाइन करना चाहता है या फिनेंशियल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहता है तो वो अगर एक बेसिक नॉलेज के साथ जाए मतलब इंडस्ट्री में या इंटरव्यू में या कंपनीज में तो वो काफी हेल्पफुल रहेगा. जैसा कि हम देखेंगे कि MBA कॉलेजेस और कॉमर्स कॉलेजेस जो हैं वो बहुत ही बुकिश नॉलेज देती हैं और इंडस्ट्री में जो नॉलेज चाहिए वो काफी अलग तरह का नॉलेज होता है. तो अगर लोगों के पास वो बेसिक स्टाफ है जब वो इंटरव्यू में जाए या लेट्स से दे स्विच द कंपनीज, तो उनके लिए वो काफी मदद करेगा. क्योंकि इफ यू नो द बिग पिक्चर, जैसे कि इंग्लिश में बोलते हैं कि इफ यू नो द बिग पिक्चर, तो अगर आपको बड़ा पिक्चर पता है कि ओवरऑल इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री, और उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट चाहिए, तो दैट आप डे वन से आप स्टार्ट कर सकते हैं काम करना. और आप काम करते हैं इसके काम करने के साथ साथ आपको पता भी चलेगा कि आप कहाँ पर हैं, आप कौन से पार्ट पे काम कर रहे हैं, तो वो काफी हेल्पफुल रहेगी. तो उस को ध्यान में रखकर मैंने किताब लिखी. और बिटकॉइन के बारे में कब मेरे को इंटरेस्ट हुआ, मैं मुझे लगता है कि करीब 2015 से मैं बिटकॉइन के बारे में सुन रहा हूँ और उसके बाद मैंने धीरे धीरे उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया. और उसके बाद 2016 से मैं बिटकॉइन के ऊपर ब्लॉग्स भी लिखते आया हूँ लिंक्डइन में. और तो 2016 से आई थिंक आई स्टार्टेड रियली सीरियसली कि मैंने बिटकॉइन के बारे में पढ़ना शुरू किया और रिसर्च करना शुरू किया. और जैसे जैसे मैं उसके बारे में ज़्यादा रिसर्च करता गया मुझे पता चला कि ये कुछ जो चीज़ है वो बहुत ही हटके है और अलग तरीके का चीज़ है. क्योंकि बिटकॉइन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर मतलब उसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है जो लोगों को मतलब एक फ्रीडम देती है ट्रांजेक्शन करने में. तो वैसे तो बिटकॉइन से ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है उसकी अंडरलाइन टेक्नोलॉजी है जिसको हम ब्लॉकचेन बोलते हैं. ब्लॉकचेन जो है वो एकदम समुद्र है अगर बिटकॉइन माना जाए कि एक तालाब है. तो ब्लॉकचेन जो है, ब्लॉकचेन के बारे में मैंने काफी पढ़ना शुरू किया और मुझे लगा कि एक ऐसा एक एंड टू एंड पिक्चर लोगों को दिया जाए बार्टर से लेके बिटकॉइन तक, सो दैट दे विल हैव अ वेरी सॉलिड अंडरस्टैंडिंग. तो ये सिर्फ MBA स्टूडेंट्स और कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, कोई भी ये बुक पढ़ सकता है, जनरल पब्लिक भी पढ़ सकती है. बिल्कुल, इनफैक्ट आपने मैं ये बुक मैंने खुद पढ़ा है और आपने बिल्कुल बिगर पिक्चर दिखाने की कोशिश किया है लोगों को. और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप सिर्फ बिटकॉइन से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, आप बिटकॉइन से पीछे जाना पड़ेगा आपको. अगर आप बिटकॉइन से स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. आप बिटकॉइन से थोड़ा पीछे जाइए और हिस्ट्री में क्या हुआ है उसको देखिए, तब आप एक रिलेट कर पाओगे. कभी हमको लगता है कि भाई ये बिटकॉइन कैसे पैसा हो सकता है, क्योंकि रुपए पैसे हैं, नोट पैसा होता है, सिक्का पैसा होता है. बट काफी लोगों को ये नहीं पता है कि वो सिक्का और नोट भी पैसा नहीं था, एक जमाना था उसके पहले कुछ और पैसा था. तो वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वो चेंजेस हुआ है और उस चेंजेस को आपने बखूबी इस बुक में लिखा हुआ है. जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि ये चैप्टर नंबर जो 5 है, यू नो, जिसमें आपने इंट्रोड्यूस किया है द बैंकिंग इंडस्ट्री कैसे इंट्रोड्यूस हुई, बाद में आपने राइज ऑफ कैपिटलिज्म की बात किया है, फिर आपने वॉल स्ट्रीट की बात किया है, तो बेसिकली और फाइनेंशियल रेगुलेशंस का बात किया है. तो बेसिकली आपने ये कवर करने की कोशिश की है कि कैसे ये मनी का जन्म हुआ और कैसे पूरी फाइनेंशियल सिस्टम आप आज तक काम करते आई है, कैसे इवॉल्व होते आई है
और कैसे ब्लॉकचेन बिटकॉइन उसको आगे की तरफ और इवॉल्व करने लेके जा रही है। तो आप बेसिकली एक इजी शब्दों में आप बताना चाहेंगे कि कैसे बिटकॉइन मतलब एक एवोल्यूशन की तरफ लेके जा रहा है, मनी को कैसे नया एवोल्यूशन है। So, अभी तक जो अगर देखा जाए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मनी है, पैसे थे, मतलब एक जमाने में सोना चांदी मतलब अभी भी है, लेकिन आजकल सोने के सिक्के नहीं है नॉर्मल सर्कुलेशन में, चांदी के सिक्के भी नहीं है। तो अभी रुपए पैसे का जो करंट जो हमारा ये है फॉर्म है वो नोट है या तो कॉइन्स है या तो इलेक्ट्रॉनिक मनी है। और दुनिया धीरे धीरे जो है वो डिजिटल मनी की तरफ बढ़ रही है, आजकल सब कुछ डिजिटल पेमेंट्स हो गए हैं। और अगर आपको याद होगा कि हमारे जो देश में डीमोनेटाइजेशन हो गया था, उसके बाद से लोग काफ़ी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है वो डिजिटल पेमेंट्स में जा रहे हैं, या तो क्रेडिट कार्ड हो गया या तो पेटीएम हो गया, अलग अलग तरह से बैंकिंग ट्रांसफर्स। और सरकार भी जो है, हमारे देश की सरकार, वो भी डिजिटल मनी को काफ़ी प्रोत्साहित कर रही है, क्योंकि उसमें जो है करप्शन का स्कोप बहुत कम होता है। तो लोग जो है धीरे धीरे डिजिटल मनी की तरफ पढ़ रहे हैं। लेकिन बिटकॉइन जो है वो कुछ अलग है, क्योंकि बिटकॉइन में जो थर्ड पार्टी होता है, मतलब अगर मैं आपको पैसा भेजता हूँ, मान लीजिए कि मैं आपको पैसा भेजना चाहता हूँ 1,00,000 रुपये, तो अगर मैं आपको भेजूंगा तो मुझे आपका बैंक अकाउंट नंबर लेना पड़ेगा और उसके बाद मेरे बैंक अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट को जाएगा। तो इस बीच हम दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी बैठा है वो है बैंक। वैसे तो और थर्ड पार्टी होते हैं, क्लियरिंग हाउसेस और सेंट्रल बैंक्स भी होते हैं, लेकिन अगर सिंपल अगर प्लेन शब्दों में बोला जाए तो लेट्स से कि तीसरा आदमी है या फिर तीसरा पार्टी है जो हम दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट कर रहा है। तो क्या अगर ऐसा संभव है कि मैं आपको पैसा भेजूं और किसी को भी ना पता चले, या फिर मैं आपको कुछ वैल्यू भेजूं और किसी को भी ना पता चले, या फिर मैं आपको कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन भेजना चाहूं और मैं सिर्फ आपको भेजूं और किसी को मतलब किसी के बीच में ज़रूरत ना हो। तो ऐसा एक कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे इवॉल्व होना शुरू हुआ। वैसे तो ये 1920s-30s से इवॉल्व होना शुरू हो रहा है और लोग अपना अपना मतलब इनोवेशंस कर रहे थे, जो कि मैंने बुक में काफ़ी अच्छे से मेंशन किया है। लेकिन एक 1980s और 1990s से एक नया मतलब ट्रेंड शुरू हुआ, वेर इन की दे थॉट, मतलब कुछ लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि कौन हम क्यों किसी दूसरे थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड हो, हम क्यों ना खुद अपने आप में कुछ ट्रांजेक्शन करें। तो ये जो ग्रुप थी वो धीरे धीरे मतलब इनोवेशंस करती गई और ऐसे तो काफ़ी इनोवेशंस थे। लोग सोचते हैं कि बिटकॉइन एक रिवोल्यूशनरी है, लेकिन बिटकॉइन जो है जो प्रीवियस इनोवेशंस हैं उसके बेसिस पे बिल्ड हुआ है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आई मीन आपको बुक में आप बहुत अच्छे से आपको मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे जो बिटकॉइन के जो इन्वेंटर थे सतोशी नाकामोटो, उन्होंने जो पहले एक दशक या दो दशक के जो इनोवेशंस हुए थे उन सबको लेके उनको सुधार करके अपना जो इन्वेंशन था बिटकॉइन उन्होंने मतलब इन्वेंट किया था। तो ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन एक दिन सडनली आ गया 2008 में, ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली जो प्रीवियस इनोवेशंस थे उसके बेसिस पे आया है। लाविन, आई थिंक थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो गया था बीच में, बट मैंने तो ये बुक पढ़ी है, ठीक है, और मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, स्पेशली जो भी बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो भी बिटकॉइन के बारे में एक्साइटेड है। और मुझे पता है काफी लोग ने ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लिया है बिटकॉइन के बारे में, और काफी लोग अभी भी स्टार्ट करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में इन्वेस्टमेंट करना या फिर मे बी उसके बारे में जानना। सो आई थिंक ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, सबके लिए, जो कर रहा है या जो नहीं कर रहा है, जो स्टार्ट होने वाला है। तो मैं तो सबको रेकमेंड करूंगा क्योंकि इसमें काफी मनी की हिस्ट्री है और कैसे एवोल्यूशन हुआ है। बट आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से आप ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आप बोलोगे कि लोगों को यू नो ये बुक पढ़ के उनको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, क्या रीजंस हैं कुछ? बहुत अच्छा सवाल है शिव। एक्चुअली आजकल जो बिटकॉइन का या फिर क्रिप्टो करेंसीज का जो ये चल रहा है, हवा चल रहा है, तो उसमें काफी लोगों के मन में ये है, स्पेशली हमारे इंडिया में, जैसे लास्ट ईयर बिटकॉइन के प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो गया था, तो करीब 19,000 ऐसे तक चला गया था।
तब लोगों ने सडनली सोचना शुरू किया कि क्या मतलब क्या है बिटकॉइन क्या है। और काफी लोगों को मतलब मैं मिला वैसे फ्लाइट में या ट्रेन में बसेस में ऐसे कॉलेजेस में, तो लोग यही कहते थे कि क्या हम बिटकॉइन खरीद लें क्योंकि उसका रेट ज्यादा हो रहा है। तो मोर और लेस इट वाज काइंड ऑफ स्पेकुलेशन, तो जैसे एक गैम्बल टाइप का लोग सोचते थे कि अरे इसको खरीद लो जब रेट बढ़ जाएगा तो बेच दो, हमें करेक्ट। क्या 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 जरूरत है बिटकॉइन। काफी लोग पॉन्जी स्कीम भी बोल देते हैं, मतलब कुछ भी बोल देते हैं। हाँ जी, तो पोंजी स्कीम है या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इतना मैं जरूर बताऊंगा कि ये बहुत ही जबरदस्त इनोवेशन है अपने आप में। अब गवर्नमेंट उसको कैसे देखती है ये तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन लोगों के मन में एक गलत धारणा आ गई थी कि ये एक स्पेकुलेशन है, स्पेकुलेटिव इंस्ट्रूमेंट है और चलो या गैम्बल टाइप का है कि पैसा लगाओ मिला तो ठीक नहीं तो नहीं। तो काफी लोगों ने बिना समझे सोचे उसमें पैसा लगा दिया। मेरे एक दो दोस्त थे जिन्होंने मतलब एक हाई राइज पे उसमें पैसा लगाया और उसके बाद बिटकॉइन अनफॉर्चुनेटली गिरना शुरू हो गया उसका प्राइस, तो वो काफी पैसा मतलब थोड़ा उसमें लॉस भी हो गया था उनका। तो तब उन्होंने जाके मेरे को पूछा कि भाई बिटकॉइन क्या है बताओ, तब मैंने उनको बुक सजेस्ट किया तो वो लोग बिटकॉइन के बारे में पढ़ना शुरू किए। तो ये एक एग्जाम्पल है कि लोग बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर लेते हैं किसी भी चीज में, अगर न्यूज में आ जाता है या कोई बोल देता है कि अरे ये खरीद ले मैंने खरीद लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। पहले किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट करने के पहले उसको ठीक से समझना चाहिए। तो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी ये तो बुक का एक छोटा सा हिस्सा है एक्चुअली, भले बुक का नाम बाटर टू बिटकॉइन है, बुक में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन है और काफी हिस्ट्री है। बिटकॉइन तो मैं कहूंगा कि करीब 10 से 15% रहेगी बुक में, लेकिन उसके पहले क्या हुआ और बिटकॉइन कहाँ से आया, हमारे फाइनेंशियल हिस्ट्री जो है वो क्या है, कैसे समझना है उसको और क्यों समझना इंपॉर्टेंट है। भले ही आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ना हो, भले ही आप MBA के स्टूडेंट ना हो, अगर आप एक कॉमन मैन भी हैं तो फिर भी आप फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स को आप समझना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर आपको इतिहास पता है कि कैसे रुपए पैसे की शुरुआत हुई, कैसे इवॉल्व हुआ और कहाँ बार्टर सिस्टम और कहाँ बिटकॉइन, जमीन आसमान का फर्क है, तो अगर उसको समझना है तो मेरे हिसाब से ये किताब आप पढ़ेंगे तो आपको काफी अच्छी नॉलेज आएगी, काफी अच्छा मतलब आपको पिक्चर क्लियर रह जाएगा। तो मेरे हिसाब से उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको बुक पढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बात सही कहा कि किसी भी चीज़ में हाथ डालने से पहले इन्वेस्टमेंट के अंदर उसको समझना बहुत ज़रूरी है। बिना समझे सुझे कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और मुझे लगता है ये जो किताब है, ये जो बुक है, वो उस चीज़ में बहुत खरी उतरती है, क्योंकि आपको पूरा बेसिक से लेके अब तक का मनी का हिस्ट्री बताती है, और कैसे मनी चेंज हुआ है, और बिटकॉइन क्यों इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बताती है। तो आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ये आपको amazon.in पे भी मिल जाएगी और amazon.com पे भी मिल जाएगी। मेरे ख्याल से इसकी कीमत है कुछ 249 रुपीज, 250 रुपये। आप ऑर्डर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिख दिया जाएगा। और रविन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। आपसे बहुत अच्छा लगा, यू नो, बुक पढ़ने के बाद, ऑथर से मिलने के बाद उनसे बात करने का मजा ही कुछ और है। और यू नो, ऐसा ही कुछ मुझे फीलिंग हुई आज। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। आपका धन्यवाद मुझे भी देना चाहूंगा कि आपने टाइम निकाल के आपने शो पे आए। बिफोर वी रैप अप, बिफोर हम लोग बंद करें, इसके पहले कुछ चीजें जो शेयर करना चाह सकते हैं आप लोग, आपको कहाँ पे लोग फॉलो अगर करना चाहते हैं तो कहाँ पे कर सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद शिव कि आपने मुझे मौका दिया आपके चैनल पे आने का। मैं ये चैनल पिछले कुछ हफ्तों से देख रहा हूँ और मैं ये बात जरूर बताऊंगा कि अगर हमारे देश में देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसीज किस पे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोगों को मतलब अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ शिव। अगर आप फॉलो करना चाहते हैं या फिर अगर आप जानना चाहते हैं कि मतलब तो सोशल नेटवर्किंग ज्यादा ही कैजुअल चाहिए, तो आप लिंक्डइन में फॉलो कर सकते हैं या तो आप डायरेक्टली अमेजोन में जाके बुक पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, तो बोथ वर्जन सर अवेलेबल लाइक पेपरबैक एंड किंडल, तो आपको जो पसंद है आप वो पढ़ सकते हैं।
बिल्कुल, ये अमेजॉन एज अ फिजिकल कॉपी भी ले सकते हो और आप किंडल ऐप पे भी पढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच रविन, आई थिंक इट वाज अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा, एंड एंड आई विल सी यू सून, जल्दी मिलेंगे हम लोग। थैंक यू शेयर, बाय बाय बाय।